अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट आज का एक शॉर्ट छोटा सा क्वेश्चन एक आता है कि स्पैनिंग ट्री क्या होते हैं और फिर मिनिमम स्पैनिंग ट्री क्या होते हैं स्पैनिंग ट्री की डेफिनेशन जो है ए स्पैनिंग ट्री फॉर एन अनडायरेक्टेड ग्राफ इज ए सब ग्राफ विच इंक्लूड्स ऑल वर्टिसेस बट हैज नो साइकिल कि एक ऐसा हमारे पास ग्राफ सब ग्राफ जिसमें सारे बर्टेसेस हों लेकिन उसमें क्या ना हो साइकिल ना हो वो हमारे पास पैनिक ट्री कहलाता है जैसा कि ये ग्राफ है ये साम्पल ग्राफ की वन है हमें वी वन वी टू वी थ्री वी फोर इसमें से कुछ एजेस हमने रिमूव कर दिए ठीक है जैसे कि ये कुछ एजेस रिमूव कर दिए तो ये बन गया और ये बन गया ये बन गया ये बन गया इन सब में साइकिल नहीं है टी वन टी टू इन चार ग्राफ में जो कि ट्री के नाम से हैं इनमें हमारे पास क्या नहीं है कि साइकिल नहीं है साइकिल क्या होता है कि अगर आप वी वन से शुरू करते हैं वी टू पर आए वी फोर पर फिर वी वन पर आ जाते हैं या वी वन से वी टू वी थ्री फिर वी वन पर चले जाते हैं तो ये एक साइकिल होता है कि जहाँ से आप स्टार्ट करें दोबारा वहाँ पर पहुँच सकें तो वो हमारे पास साइकिल कहलाता है साइकिल एक ग्राफ होता है वो तो स्पैनिंग ट्री की जो डेफिनेशन है वो ये कहता है कि आपने एक सब ग्राफ बनाना है जिसमें साइकिल ना बने तो आपने क्या करना है कुछ आपने एजेस ख़त्म करने हैं <coughs> और एक और बात मानू में रखें कि आपने एजेस ख़त्म करने हैं वर्टसेस खत्म नहीं करने हैं ठीक है तो जैसा कि ये चार वर्टसेस में हैं तो सब में फोर फोर हैं लेकिन कुछ एजेस कम हैं तो ये हमारे पास स्पेनिंग ट्री कह सारे टी वन टी टू टी थ्री टी फोर ये सारे सारे क्या होंगे हमारे पास स्पेनिंग ट्री बनेंगे फिर मिनिमम ट्री क्या होता है मिनिममस ट्री बेसिकली एक हमारे पास वेटेड ग्राफ का होता है अब वेटेड ग्राफ क्या होता है वेटेड ग्राफ कहते हैं कि V1 से V2 पे आपने जाना है तो उसकी कास्ट जो है ना वो ट्वेंटी है ये नंबर लगा होता है ऊपर ठीक है इसको हम वेट बोल देते हैं वेट बोल दें यह इसको कास्ट भी कह सकते हैं बहरहाल ये हमारे पास एक जो नंबरिंग लगी होती है वो हमारे पास एक वेटेड ग्राफ कहलाता है अब इसमें हमारे पास हमने कुछ स्पेनिंग ट्री बना लिए ठीक है, है कुछ स्पेनिंग ट्री बना लिए तो उन स्पेनिंग ट्री का क्या हमने कर लिया <coughs> कि उनको उनके वेट को ऐड किया जैसे कि ये ट्वेंटी था यहाँ से ट्वेंटी ये टेन है ये थर्टी है तो ये मेरे पास हो गया ट्वेंटी प्लस थर्टी फिफ्टी प्लस टेन सिक्सटी यहाँ पे सिक्सटी आना है ना? इसकी टोटल कास्ट होगी सिक्सटी इसकी टोटल कास्ट हमारे पास नाइन्टी बनती है और इसकी वन थर्टी बनती है और इसकी सेवेंटी बनती है अभी ये हमने चार स्पेनिंग ट्री ड्रा किए हैं इसमें से कम से कम कास्ट जो है ना वो टी वन की आती है जो कि सिक्सटी बनती है यहाँ पे ठीक है सिक्सटी इसके नाइनटी है इसके वन थर्टी इसके सेवनटी तो सिक्सटी हमारे पास बेसिकली क्या है सबसे कम है तो जो कम से कम हमें कास्ट देगा टोटल कास्ट वो हमारे पास मिनिमम स्पेनिंग ट्री कहलाता है ठीक है तो ये था स्पेन ट्री क्या होता है और मिनिमम स्पेनिंग ट्री क्या होता है ये एक हमारे पास दो डेफिनेशन थी बाकी इसका हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि इसके अपलिकेशन कहाँ तो कहाँ पर अपलिकेशन है कि ए टेलीफोन नेटवर्क कैन बी कन्फिगर्ड यूजिंग मिनिम ट्री सो डेट मिनिमम केबल लेंथ इज़ यूज कि हमने अगर टेलीफोन की केबल्स बिछानी हो <coughs> जैसे कि पी टी सी एल की होती है या डिफरेंट एक नेटवर्क के लिए केबल हमने एक सिटी में ड्रा करनी हो तो क्या होता है कि हमें मिनिमम कम से कम केबल चाहिए होती हैं ठीक है थीके? तो वहाँ पे इसके एप्लीकेशन है एयर ट्रैवल रूट्स जो होते हैं जो फ़्लाइट्स जाते हैं डिफरेंट कंट्री में तो वो एक किस तरह से प्लान किए जाते हैं कि मैक्सिमम कंट्री को कवर किया जाए और कम से कम हम उन्हें डिस्टेंस कवर करना पड़े ठीक है तो कंप्यूटर नेटवर्क जब बनाते हैं तो उसमें भी इसकी ज़रूरत पड़ती है स्पेनिंग ट्री के वहाँ पर भी इस्तेमाल होता है इसके अलावा डिफरेंट आइस लैंड ब्रिजिस के हमने ऐसा करना हो कि मुख्तलफ़ आइस लैंडस हैं <coughs> उन वहाँ पर कुछ ब्रिजेस बनाने हैं जो कि मैक्सिमम एरिया को कवर कर सके तो वहाँ पर भी, भी इस्तेमाल और भी मल्टीपल इसके एप्लीकेशन हो सकती हैं अब इसको सॉल्व करने के लिए दो एलगुरिज़म हैं जो कि क्रस्कल करस्कल कहलाता है और दूसरा प्रिम्स एलगुरिज़म कहलाता है ये दो बंदे थे जिन्होंने स्पेनिंग ट्री को सॉल्व करने का ऑटोमेटिकली एक प्रोसीजर बनाया तो ये तो क्योंकि एल्गोरिथम के कोर्स में आगे पढ़ाया जाता है लेकिन हम क्योंकि डिस्क्रीट का कोर्स पढ़ रहे हैं तो उसमें ये एक डेफिनेशन थी डाटा स्ट्रक्चर में भी ये डेफिनेशन पढ़ाई जाती है कि स्पेनिंग ट्री क्या होता है ठीक है और उसके अपलिकेशन क्या हैं ये आप लोगों को आने चाहिए ठीक है थैंक यू